कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। संसद के तिरंगा मार्च निकालने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन ने मोदी सरकार के लोकतंत्र पर तंज कसा है। मल्लिकार्जुन ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा, जब भी हम बोलने के लिए उठते थे और नोटिस देते थे तब भी रूलिंग पार्टी द्वारा हमें रोक दिया जाता था। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे सिर्फ 2.5 साल में अडानी की संपत्ति 12 लाख करोड़ बन गई है। उन्होंने आगे कहा, 50 लाख करोड़ का बजट महज 12 मिनट में कैसे पास कर दिया गया। हमने उनसे ये सवाल पूछे हैं, लेकिन जब कभी हमने बोलने की कोशिश की, नोटिस दिए, उसकी मांग की, तब तब हमें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। मुझे राजनीति में काम करते हुए 50 से 52 साल हो गए हैं, हमने इससे पहले ऐसा वक्त कभी नहीं देखा। मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं। और आपको एक ही उदाहरण बताऊं, 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया। और वो हमेशा कहते गए कि अपोजिशन पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है, वो डिस्टर्ब। लेकिन डिस्टर्बेंस तो रूलिंग पार्टी से हुआ, और जब कभी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस की चर्चा की मांग जब करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते थे। और ऐसी पहली बार हुआ, मैं भी अपने जीवन के 52 साल समाप्त करके 53 साल में कदम रखा हूं, चाहे असेंबली में हो चाहे पार्लियामेंट में, ऐसा कभी नहीं देखा।